हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा चैनल यूट्यूब पर कैसे ग्रो हुआ। मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो गया, उसकी ग्रोथ अच्छी हो गई। तो देखिए, काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या आपने जो है ट्रिक अपनाया था, क्या सीक्रेट है आपके चैनल की ग्रोथ का, क्या आपने ट्रिक अपनाया वो हमें भी बताइए। तो देखिए, ऐसा कोई ट्रिक नहीं था जिसको मैंने अपनाया तो मेरा चैनल ग्रो हो गया, और ना ही ऐसा कोई ट्रिक होता है। अगर कोई आपको बताता भी है तो वो गलत बता रहा है, क्योंकि ऐसा कोई ट्रिक होता ही नहीं है जिससे आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। अगर कोई ट्रिक होता तो डेफिनेटली मैं आपको बताती और जो है सभी का चैनल ग्रो हो जाता। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई ट्रिक होता है। मेरे चैनल को जो ग्रोथ हुई है वो अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो वो दो चीज़ों की वजह से हुई है। पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी, कि मैंने लगातार काम किया है, और दूसरी चीज़ है मेरा कंटेंट, कि मेरा जो कंटेंट होता है वो मैं हमेशा ऐसा रखती हूँ कि किसी और का ऐसा कंटेंट ना हो, है ना। तो आपको भी यही चीज़ करनी है। मेरे हिसाब से यही दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपका कंटेंट कैसा है और आपकी कंसिस्टेंसी आप लोग मेंटेन करते हैं या नहीं, ठीक है। तो यही दोनों चीज़ है। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था 8 जनवरी 2020 को, तो आप कह सकते हैं कि मेरा चैनल ज़्यादा नया है, बिल्कुल ही नया कह सकते हैं, क्योंकि भाई 8 जनवरी 2020 का ही चैनल है और अभी जो टाइम हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा समय चैनल को नहीं हुआ है। ऊपर से अगर आप मेरी लास्ट वीडियो को जाके देखेंगे तो वो 5 मंथ पहले की दिखाएगी, कि ये वीडियो 5 मंथ पहले अपलोड हुई है। लेकिन 5 मंथ पहले जो वीडियोस अपलोड हुई है उसमें 2 या 3 वीडियो ही हैं, बाकी सभी वीडियोस 4 मंथ पहले की है। क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, वीडियोस डालनी शुरू की थी, तब वो जो आखिरी महीना था उसमें शायद मैंने 2 या 3 वीडियो डाली थी, और उसके बाद मैंने जब उसके आगे वाला जो महीना आया उसमें मैंने कंटिन्यू किया। तो तब से लेके अब तक की जो ग्रोथ है उस हिसाब से चैनल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और ये मैं ये नहीं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मैं बन रही हूँ या अकड़ के बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक सच्चाई है और इसको आप लोग खुद भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या जो है किस तरीके से ग्रोथ हुई है शुरुआत से मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, 8 जनवरी 2020 को मैंने अपना पहला वीडियो डाला था। अपना वीडियो जो मैंने डाला था वो एग्ज़ाम से रिलेटेड था, सीटेट एचटेट के एग्ज़ाम वगैरह से रिलेटेड मैं वीडियो बनाती रहती थी। तो सबसे शुरुआत वाले मंथ में मैं ज़्यादा रेगुलर नहीं रह पाई, लेकिन उसके बाद जब जो अगला मंथ आया उसमें मैंने जो है कहीं ना कहीं अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब मेरे को रेगुलर रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे को रेगुलर अपलोड करनी है वीडियोस। मेरे को डेली की मैंने निश्चित किया था कि डेली की 2 वीडियो मैं अपलोड करूंगी, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन डेली की 2 वीडियो मेरे को अपलोड करनी ही है। कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मोबाइल था, और कभी भी अभी भी कुछ नहीं है, ना कोई ट्राईपॉड माइक, कुछ नहीं है। तो सिर्फ एक मोबाइल के साथ स्टार्ट किया है, है ना, और अभी तक उसी की चीज़ पे, और काफ़ी अच्छी वीडियो शूट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास एक अच्छा सेटअप नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा डेफिनेटली नहीं है। धीरे धीरे सभी चीज़ें बेटर होंगी, सभी चीज़ें हम लोग जो है खरीद लेंगे, तो वो थोड़े आगे की बात है। खैर, तब मैंने मोबाइल से ही अपनी जो है वीडियोस बनानी शुरू की थी। तो सीटेट एचटेट वगैरह एग्जाम से रिलेटेड मैं वीडियो डालती थी, लेकिन जो ये मैं वीडियोस बना के डाल रही थी इसमें मुझे कभी भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता था, बहुत कम व्यूज़ आते थे, हमेशा ऑडियंस रिटेंशन घट जाता था, हमेशा जो वॉच टाइम है वो घट जाता था। तो इस तरीके की स्थिति मेरे साथ होती थी। काफ़ी सारे दूसरे क्रिएटर्स की वीडियो देखी, ये कर लो वो कर लो, सारी चीज़ें कर लो तो चैनल ग्रो हो जाएगा, सब कुछ करके देखा, भर भर के टैग्स लगाए, हैशटैग लगाए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उन चीज़ों का। तो लगातार जब मैं ऐसी वीडियोस पे काम कर रही थी तो मेरे चैनल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम थी, ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रोथ थी ही नहीं, बहुत ज़्यादा कम ग्रोथ थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब है मैंने एक अनअकैडमी को जब मैंने डेमो क्लियर किया था उसकी वीडियो शूट करके मैंने डाली, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप लोग अनअकैडमी का डेमो फर्स्ट टाइम में क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली मेरा भी फर्स्ट टाइम में क्लियर हुआ था। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के डाला और उस पर जो रिस्पॉन्स था वो मेरे को अच्छा मिला बाकी वीडियोज़ के मुकाबले। तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं कि हाँ, इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला है तो शायद लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि जो अनअकैडमी से रिलेटेड बाकी वीडियोस थी वो मैंने बनाना शुरू किया, ओरिएंटेशन लेसन या जो सेल्फी वीडियो वगैरह होती है उन सब पे वीडियो बनाई, और सब पे अच्छा रिस्पांस मेरे को मिला। तो मेरे को लगा कि अब मेरे जो है सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मेरे को मिल रहा है, तो दोबारा से मेरे को पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे को पढ़ाने में इंटरेस्ट था। तो मैंने क्या किया, दोबारा से पढ़ाना शुरू किया। लेकिन जो फिर मेरी एग्जाम वाली वीडियो थी या पढ़ाने वाली वीडियो थी उसमें फिर से बहुत ज़्यादा बुरा रिस्पांस मेरे को मिला। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ऐसी वीडियोस को पसंद नहीं किया गया जिसमें मैं एग्जाम वगैरह की तैयारी करवा रही थी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, ऐसी बात कुछ
कुछ ऐसी है कि यूट्यूब पर जो एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, जैसे सीटेट, एचटेट, DSSB वगैरह की जो लोग तैयारी करवाते हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स के बीच में जिनकी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है, उनके बीच में टिक पाना एक काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। और जब भी कोई नया यूट्यूबर आता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऊपर से ऐसा था कि मेरे को ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है कि भाई मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ और ऐसे बड़े बड़े बच्चों को मैं पढ़ा दूँ, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। डेफिनेटली साइकोलॉजी एक हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा था, इसके लिए मैंने स्टार्ट किया था। तो कहीं ना कहीं जो मतलब बच्चे थे उनको आप पे भरोसा नहीं होता है, कि इनको लगता है कि भाई ये तो हमारे साथ किया, हमें क्या पढ़ाएगी, तो ये वाली सिचुएशन भी थोड़ी सी बन जाती है ना। तो ये एक वजह दूसरी थी कि वो काम में मैं आगे नहीं बढ़ पाई। तो उसके बाद मुझे पता चल गया कि भाई जब ऐसे वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लोग मुझे नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, तो आई थिंक मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। और तभी से मैंने जो है डिसाइड कर लिया कि अब मैं ये नहीं करूँगी, अब मेरे को कुछ और ट्राई करना है। और तभी मैंने अपने चैनल की दिशा बदल दी, दिशा मैंने बिल्कुल जो है इसके जो है बदल दी, और मैंने अब वैसे वीडियोज़ डालना बिल्कुल बंद कर दिया जिस पर मुझे रिस्पांस नहीं मिलता था। तो मैंने अपनी दूसरी जो है दिशा चुन ली, और ये जो दिशा मैंने चुनी इसमें मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ मैं बना के डालती थी। मैं मोस्टली ऐसी वीडियोज़ डाला करती थी जो पहले से यूट्यूब पर नहीं थी, तो एकदम नया कंटेंट मेरा होता था, तो लोगों को देखने में भी अच्छा लगता था कि हाँ भाई ये कुछ नया लेकर आ रही है। तो वहीं से मेरे चैनल को एक बूस्ट मिला धीरे धीरे, जब मैंने लगातार ऐसी वीडियोज़ डाली जो यूट्यूब वगैरह पर नहीं थी, पहले से कुछ नया मैंने किया, तो वहाँ से मेरे को एक अच्छा रिस्पांस मिला और वहाँ से मेरे चैनल को बूस्ट मिला और चैनल की ग्रोथ अच्छी हुई। धीरे धीरे व्यूज़ आने लगे, धीरे धीरे सब्सक्राइबर आने लगे। तभी भी मैं सोचती थी कि बीच बीच में पढ़ाई की वीडियो डाल के देख लेती हूँ अच्छा रिस्पांस आ रहा है या नहीं, लेकिन जैसे ही कोई पढ़ाई की वीडियो डालती थी उस पर बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता था। कुल मिला के बात है कि मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया था कि जिस चीज़ में मेरे को आना था मैं उसी में आऊँ, मगर ऐसा नहीं हो पाया। तो सच्चाई अगर मैं आपको बताऊँ तो यूट्यूब पर आपको अपने हिसाब से नहीं चलना होता कि आपका जो इंटरेस्ट है आप वो करेंगे, आपको वही करना होता है जो लोग आपको करते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप अपने चैनल की ग्रोथ चाहते हैं तो, है ना। तो ये एक वजह थी कि भाई मैंने वही किया जो लोग मेरे को करते हुए देखना चाहते थे, मैंने वो नहीं किया जो मैं करना चाहती थी, ठीक है। तो यूट्यूब पे आपको लोग बोलेंगे और आपको मेरी बात गलत भी लगेगी, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ अपने इंटरेस्ट के साथ मत जाइए। लेकिन देखिए, आपका इंटरेस्ट अगर ऐसा है जो लोगों को भी इंटरेस्ट है तो उसमें जाइए, लेकिन अगर आपका कुछ एकदम ही अलग टाइप का इंटरेस्ट है और आप ऐसी वीडियोज़ बना के डाल रहे हैं तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं है चैनल की ग्रोथ के लिए। तो वहाँ से जो है चैनल को बूस्ट मिला और चैनल ग्रो होता गया और धीरे धीरे करके अब जो है अच्छे व्यूज़ आने लग गए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुल मिला के 4-5 महीने हम लोग कह सकते हैं कि अगर कुल मिला के गए तो 4 महीने रेगुलर काम किया है। कभी भी जो है ऐसा नहीं किया है कि एक दिन जाके सो जाऊँ और वीडियो ही ना बनाऊँ, ऐसा कभी भी नहीं किया है। डेली इसकी मेरी वीडियो आती है। अगर मैं जो है अगर ज़्यादा वीडियो नहीं, 2 वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो 1 वीडियो तो मैं डेफिनेटली बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 1 वीडियो भी डेली की नहीं डालूंगी तो लोग मुझे भूल जाएंगे। तो इसके लिए मैं डेली की 1 वीडियो तो बना के डालती हूँ, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, मतलब कितनी भी कैसी भी सिचुएशन होती है, लेकिन 1 वीडियो जरूर बना के मैं डालती हूँ, है ना। तो ये तब से जो है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और आज तक इस पर कंटिन्यू हूँ। तो ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपका कंटेंट कैसा है। आप हमेशा यूट्यूब पर कुछ ऐसा लेकर आइए जो पहले से वहाँ पर नहीं है। दूसरी बात होती है कि आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, यानी कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप डेली वीडियो अपलोड करें या डेली की 2 वीडियो अपलोड करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप जो है 7 दिन में अगर 1 वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उस चीज़ के साथ कंटिन्यू रहिए, या महीने में 1 वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उस चीज़ के साथ कंटिन्यू रहिए, लेकिन बस उस चीज़ को पकड़ लीजिए कि हाँ मेरे को महीने की 1 वीडियो डालनी है या महीने की 2 वीडियो डालनी है, वो आपको देखना रहता है। इसमें कोई नुकसान नहीं होता है कि आप जो है 7 दिन में 1 वीडियो डाल रहे हैं या महीने की 1 वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप महीने की 1 वीडियो डालते हैं तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाने का मौका मिल जाता है। जैसे कि बहुत सारे जो कॉमेडी की वीडियोस डालते हैं, ऐसे जो क्रिएटर्स हैं वो करते हैं कि वो 1 महीने में अगर 1 वीडियो डालते हैं तो फिर वो ऐसा कंटेंट लेकर आते हैं जैसा पहले यूट्यूब पर था ही नहीं, मतलब जिसको देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए, हमें मज़ा आए, ऐसा कंटेंट वो लोग लेकर आते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अगर बात करें तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है कंसिस्टेंसी भी, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, कंटेंट। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट बोलता है। अगर आज हम किसी बड़े क्रिएटर की बात करें तो अगर वो 2 महीने में 1 भी वीडियो डालता है तो वो ऐसी वीडियो डालता है जैसे भाई पहले किसी ने डाली नहीं है, तो मेरे हिसाब से कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, है ना। तो अगर आपका कंटेंट इतना अच्छा है तभी आप लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करिए या फॉलो करिए कि आप अपना जो है कंटेंट लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं और फिर जब भी उसको प्रेजेंट कर दे तो भाई तहलका मच जाए कि हाँ भाई उस क्रिएटर की वीडियो आई है, ठीक है। और यूट्यूब पे आपको हमेशा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, मैं नहीं कहूँगी कि आप चलिए, आप उस चीज़ के हिसाब से चलिए जिसमें आपको लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि फिर धीरे धीरे आपको उसी काम में मज़ा आने लगता है, उसी काम में इंटरेस्ट आने लगता है।
क्योंकि अगर मैं बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स की भी बात करूँ, अगर मैं आपको कैरी मिनाटी का ही एग्जांपल दूँ, तो उनका पहले जो दूसरा चैनल था वो अच्छे से नहीं चल पाया, पहले वाला चैनल मतलब, है ना। तो उन्होंने मतलब जब वो छोटे थे तब का चैनल था, तब उन्होंने वो चैनल चलाया भी नहीं क्योंकि उसमें वो अच्छा नहीं कर रहे थे, और उन्होंने एक दूसरा चैनल खोला। तो बड़े बड़े क्रिएटर्स के पीछे भी ये बात होती है, ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को सोच के हम लोग अपना चैनल स्टार्ट करते हैं वो चैनल हमारा हवा में उड़ने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी मेहनत देनी पड़ती है, आपको वही करना है यहाँ पर जो लोग चाहते हैं। तो यही जो है एक पूरा जो है मैंने आपको बताया कि हम सभी जो है अपने चैनल को आगे लेकर आ सकते हैं, अपने आप को आगे लेकर आ सकते हैं, लेकिन हमको पेशेंस रखना है, लगातार काम करना है, है ना। आपको जो है हार नहीं माननी है, और आपको वही करना है जो लोग करते हुए आपको देखना चाहते हैं। किसी के भी चैनल में कोई गलती नहीं होती है, सभी अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है थोड़ा सा अपना जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप किस तरीके का कंटेंट डाल रहे हैं। अगर वो लोगों को पसंद आ रहा है तो उस चीज़ में कंटिन्यू रहिए, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो मैं नहीं कहूँगी कि आप उसमें कंटिन्यू रहिए। तो ये दो चीज़ होती हैं, ठीक है ना। तो यही था इस वीडियो में, आप लोगों को इतना ही बताना था, कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है या कोई ट्रिक नहीं है जो आप लोगों को बता दूँ। बस हार्डवर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कम से कम 6 महीने का आपको अपने चैनल पर टाइम देना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं भी जो है लगातार टाइम यहाँ पर देती हूँ, लगातार काम करती रहती हूँ, तो अभी तो 6 महीने नहीं हुए हैं लेकिन बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि 6 महीने का अपने चैनल पर टाइम दीजिए और 6 महीने तक लगातार वीडियोस अपलोड करते रहिए, और आपको पता चल जाता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि, है ना, मतलब आप समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग उस चीज़ में 6 महीने तक अच्छा कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको उस चीज़ में कंटिन्यू करना चाहिए, और शुरुआत कर रहे हैं तो 2-3 आप जो है कैटेगरी डिसाइड करके देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से कैटेगरी में लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो यही आप लोगों से कहूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही, कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊंगी कि जो भी मैंने वीडियोस बनाई है कि आपने 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, ये सभी वीडियोस मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताई है, जितनी चीज़ें मैंने अब तक सीखी हैं, जानी हैं, समझी हैं। इसके अलावा जो मैंने गलतियाँ की थी एज अ न्यू क्रिएटर, उसके आधार पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। तो वो सभी की सभी वीडियोज़ पूरी तरीके से जेन्युइन है। यू कैन ट्रस्ट मी नो मैटर वॉट। मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप मेरे को किसी भी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं कभी भी कोई शॉर्टकट के पीछे भागने के लिए आपको नहीं कहती हूँ, वही बताती हूँ जो 100% जेन्युइन होता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं, पायल सिंह इंस्टा मेरा यूजर नेम है। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।